हेलो गाइस, वेलकम टू आई एम वेल गुरुजी। तो हमने यहाँ पे एक डिस्टर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है यही डिस्टर्ब है, जो HP का है, i5 है, लेकिन वो जनरेशन 8 जनरेशन का है, ठीक है। जो आप खरीदते हैं जबरा सोने की और लोकल आईबल का खरीदते हैं, तो उसका आपको मिलेगा लेकिन i5 मिलेगा, लेकिन उसका जनरेशन रहेगा 2 चाहे 3 चाहे 4 रहेगा। तो इसका जनरेशन है जो 8 जनरेशन है, सॉरी, तो यहाँ पे 8 जनरेशन इसका मिल जाता है। तो इसमें क्या क्या फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको फर्स्ट बात किया जाए तो वाईफाई मिल जाता है और ब्लूटूथ भी साथ में मिल जाता है, लेकिन ब्लूटूथ वाईफाई जरूरी है। जो स्मार्टफोन का जमाना है तो आपको ब्लूटूथ वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसमें दिखाएंगे क्या क्या सिस्टम अंदर है। इसकी प्राइस की बात कर ले तो मैं फ्लिपकार्ट से खरीदा था, लेकिन उस समय कितना प्राइस पड़ गया था मैं उसको बताएंगे लास्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए शुरू से अंत तक, इसमें दिखाते हैं इसमें क्या क्या फ्यूचर इसके अंदर क्या है। चलिए दोस्तों, फटाफट हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको फर्स्ट में आपको क्या क्या फिगर है, यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि कैसेट लगेगी, यहाँ पे आपको फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वायर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको, यहाँ सामान हटाते हैं और यहाँ से पीछे से वायर निकाल देते हैं जो भी लगी है, और बताते चलते इसे साथ में क्या क्या आया था। साथ में आपको HDMI केबल मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, माउस मिल जाएगा, और इसके साथ में डब्बा मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, और इसमें साथ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसको फटाफट हम ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर है। तो हमने यहाँ पे इसको साइड कर दिया सामान को, और इसको ले लेते हैं सामने और आपको कैमरा कर लेते हैं करीब, ठीक है। तो हमने कैमरा को थोड़ा करीब और कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा कैमरा को कर लेते हैं डिस्टेंस में, जो आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो हमने कर लिया कैमरा का डिस्टेंस में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइव जो 2 TB का यहाँ पे मिल जाएगा, और एक और ड्राइव जो 500 GB का है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा वायर मिल जाएगी जो आपको स्मार्टफोन और भी डिवाइसेस में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे है मेमोरी कार्ड, इसको भी साइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लिटा दिया है जो ये PC है, तो हमने यहाँ पे एक इसको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लूज कर देते हैं, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसको लूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको बाहर खोल लेते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं कवर को। तो कवर को हमने निकाल लिया है, जो आपको कवर में कुछ देखने को नहीं मिलता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने कवर को कर देते हैं साइड। कवर को साइड करने के बाद इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने यहाँ पे लाइट जला लेंगे अपने स्मार्टफोन के। तो यहाँ मेरा मोबाइल का अपनी लाइट जला लेते हैं फटाफट, यहाँ पे कर लेंगे लाइट ऑन। तो यहाँ पे लाइट ऑन करके दिखा रहे हैं आपको, तो हम रख लिए कैमरा करीब में, ठीक है। थोड़ा डाउन करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा मदरबोर्ड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा GPU जो इसके अंदर फिट है, चिपसेट जो है इसके अंदर, यानी फैन उसके ऊपर लगा है, जो i5 का जो इंटेल का प्रोसेस है यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाता है 2 TB का हार्ड डिस्क, आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे वायर लगी है, 2 वायर है, कनेक्टर यहाँ पे लगे है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा 2 TB का, और यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है साइड में, और ब्लूटूथ भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो रैम 8 GB का है, और इसमें एक रैम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जगह एक और खाली है। और हम बात करते हैं जैसे कि पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा, तो इसकी पावर सप्लाई 310 वाट की है, तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिल जाएगा। और इसमें कुछ खास देखने के नहीं मिलेगा, जो SSD ग्राफिक कार्ड हमने कुछ ऐड नहीं किया है, जो कंपनी से मिला है वही मिला है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, लेकिन हम इसको क्लीन करके रखते हैं, हमेशा क्लीन करते रहते हैं, और भी इसके अंदर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फैन मिल जाता है, फैन मिल जाता है जो बाहर काम करता है, और यहाँ पे फैन मिल जाएगा जो पावर सप्लाई में लगा है। सीधा करते हैं हम और आपको चला कर दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर लिए हैं, ऐसे घुमा कर हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ये मिल जाता है, ठीक है। फ्रंट में यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है HP का, उसके नीचे देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटेल i5, और इसके नीचे मिल जाता है 8th generation, ठीक है। ये थोड़ा लाइट पे चमक रहा है, कोई बात नहीं, चमकने दे इसको। तो और इसको पीछे घुमाते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। तो उसके पहले हम पावर लगाते हैं, पावर सप्लाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये है इसका पावर सप्लाई जो लगेगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पावर सप्लाई लगा दिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। हम करते हैं पावर ऑन और दिखाते हैं आपको ऑन करके इसको। यहाँ पे UPS है, तो इसको हम बटन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद ये पावर आ जाएगा इसमें, जो मेरा मॉनिटर
यहाँ पे चल रहा है, लेनोवो का मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर ऑन हो चुका है, इसमें भी पावर आ गया है, लेकिन इसको हम करेंगे यहाँ से स्विच ऑन, तब जाके चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बटन, जो पावर का बटन है, तब मैं इसको कर लेता है ऑन। तो यहाँ पे देखें लाइट चल चुका है, ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे फैन आपको चलता हुआ दिखाई देगा, इसका UPS का भी फैन आपको चलता हुआ दिखाई देगा, जो आपका GPU में फैन लगा है वो भी चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें कुछ लाइट वगैरह नहीं लगी है जो आपको मदरबोर्ड में जो आपको लाइट दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपका DVD कैश है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बटन को क्लिक कर दिया है, ये बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको और बाहर खींच लेते हैं, यहाँ पे आपका लगेगी कैसेट, ठीक है। तो हम इसको वापस कर देते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पे पावर का आ गया स्विच, उसके नीचे आ जाता है ईयरफोन का, जो आप इसमें नॉर्मली ईयरफोन यूज कर सकते हैं, उसके नीचे जो आता है यहाँ पे, ये है माइक्रो SD कार्ड का, जो आप यहाँ पे SD कार्ड यूज कर सकते हैं, यानी कैमरा का भी SD कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे दो पोर्ट और मिल जाता है, जो USB पोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा Type-C का यहाँ पे पोर्ट, जो अपनी मोबाइल डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। और बात किया जाए बैक साइड की, तो इसमें और कुछ देखने के नहीं मिलेगा। हम घुमा लेते हैं इसको इस तरह, अभी ये ऑन है। बात करते हैं बैक साइड की, तो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक का, ठीक है। माइक यहाँ पे मिल जाता है ऑडियो का, जो आउटपुट ऑडियो, इनपुट ऑडियो, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको HDMI, VGA केबल, और यहाँ पे आपको 6 पोर्ट और मिल जाता है USB, और यहाँ पे इंटरनेट का मिल जाता है 1, ठीक है। उसके नीचे जस्ट चलते हैं, देखिए नीचे मिल जाता है फैन, जो आपका पावर सप्लाई का ये है फैन, और ये जो है आपका पावर केबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो ये सिस्टम दे रखा है, जैसे कि आप ग्राफिक कार्ड बाद में यूज करते हैं, इसको आप बाहर निकाल के यहाँ पे आपका उसका कनेक्टर आ जाएगा, जो भी ये HDMI केबल आता है, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा। तो अभी ये सिस्टम दे रखा है, तो हमने इसमें क्या क्या यूज करते हैं उसको भी दिखाते हैं। अभी तक तो गेम तो यूज नहीं किए हैं, लेकिन आगे गेम यूज कर सकते हैं। तो इसमें ग्राफिक कार्ड, SSD कार्ड अभी तक यूज नहीं किया, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट इसमें यूज नहीं किया है, जो कंपनी से पार्ट मिली है, जैसे कि HP कंपनी से पार्ट मिली है, वही हम पार्ट अभी तक यूज इसमें कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसका हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अब बात किया जाए प्रोडक्ट नाम की, तो HP पेविलियन 590-P0056 इन है। तो ये इसकी मदरबोर्ड की बात किया जाए तो लिनसेंस है, और मदरबोर्ड में आपको फ्यूचर मिल जाएगा जो आपको अपडेट होता रहता है। मेमोरी रैम की बात किया जाए तो आपको DDR4 8GB रैम मिल जाता है, और आपकी स्टोरेज की बात किया जाए, जो आपका मेमोरी स्टोरेज है, वो इसमें आपको 2TB HDD मिल जाता है जो स्टोरेज है। और RPM की बात किया जाए, जो स्टोरेज RPM आपको 7200 RPM इसमें मिल जाएगा, जो स्पीड इसका है। और प्रोसेसर की बात किया जाए तो इंटेल कोर i5 8400 2.8 GHz बेसड मिल जाता है, और 4 GHz विथ इंटेल टर्बो बोस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जो 8 जनरेशन पे है। और प्रोसेसर स्पीड की बात किया जाए तो 2.8 GHz पे मिल जाएगा GHZ। ग्राफिक्स की बात किया जाए तो इंटेग्रेटेड, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात किया जाए तो इंटेल UHD ग्राफिक 630 इसमें सपोर्ट कर सकता है। और पोर्ट्स की बात किया जाए, 1 USB 3.1 Type-C और 2 USB 3.1, 1 headphone माइक्रोफोन एंड कॉम्बो आपको मिल जाता है। और नेटवर्क की बात किया जाए तो आपको वाईफाई ब्लूटूथ इसमें आपको मिल जाता है, 4.2 कॉम्बो ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा। और ऑप्टिकल ड्राइव की बात किया जाए तो आपको DVD मिल जाएगा और वायरलेस मिल जाएगा जो यूज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड ड्राइव की बात किया जाए 3.1 मेमोरी कार्ड रीडर मिल जाएगा। और इसका वेट की बात किया जाए कितना KG का है, तो 5.15 KG का मिल जाता है, यानी कि 5.15 KG का मिल जाता है। और इसका पावर सप्लाई की बात किया जाए तो पावर सप्लाई आपको 310 वाट का मिल जाएगा, जो इंटरनल पावर सप्लाई है। कीबोर्ड की बात किया जाए तो HP USB वायर्ड ब्लैक कीबोर्ड मिल जाएगा, और माउस भी साथ में इसमें मिल जाएगा। और HP F की बात किया जाए तो यहाँ पे HP ऑडियो स्ट्रीम, HP ऑडियो स्विच, HP कंट्रोलर
यहाँ पे और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, एचपी पेंट्स और जंप स्टार, एचपी रिकवरी मैनेज और एचपी सपोर्ट असिस्टेंस और एचपी सिस्टम इवेंट यूटली मिल जाता है इसमें। और सॉफ्टवेयर इंक्लूड की बात किया जाए तो MCAFE लाइव SF मिल जाएगा और Windows 10 होम सिग्नल Language 64 मिल जाता है, ठीक है। और आप जब बाय करेंगे यानी खरीदेंगे तो आपका इसमें विंडो नहीं मिलेगा, आपको डोस मिलेगा जो आपको अलग से खरीद के आपको विंडो अपडेट करना पड़ेगा। अब करते हैं हम प्राइस की बात। तो मैं 8 मंथ पहले लिया था, यानी कि 8 महीना पहले लिया था। उस समय मेरे को पड़ गया था 38,000 का। तो अभी प्राइस की नहीं बता सकते, यानी कि फ्लिपकार्ट में नोट अवेलेबल है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जो इसका मॉडल नेम क्या है सब कुछ मिल जाएगा, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, 60 FPS या 50 FPS 4K वीडियो की, इसमें उतना स्लो हो जाता है। जैसे कि आपको फिल्मोरा 9 हम यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा स्लो चलने लगता है, उतना फास्ट नहीं चलता है। जैसे कि आप हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, आप दूसरा नए जनरेशन का लें, आपके लिए वो बढ़िया है। तो या चाहे SD कार्ड आप इसमें ग्राफिक कार्ड ऐड करते हैं तो आपके लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन बात किया जाए तो आपके लिए बेटर होगा जो सस्ता मिले कम दाम में। जैसे कि हम बात करते हैं लैपटॉप की, तो लैपटॉप से देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट है। जैसे कि आप एक जगह यूज करते हैं तो आप डेस्कटॉप मोड लें, आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि आपको कीबोर्ड खराब हो गया, चाहे माउस खराब हो गया, मैकेनिक की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको रैम ऐड करना है, SSD ऐड करना है, तो आपको मैकेनिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हाथ से कर सकते हैं इसमें, लेकिन लैपटॉप में आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।